ओम शांति। 2 सितंबर 2018 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 12 जनवरी 1984। सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं। सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए, क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं, लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। ऐसे अनुभवी होना, सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं, लेकिन अति सहज हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते, यह कैसे होगा? इसी उलझन में बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा भटकते रहते ही, और आप क्या कहेंगे? कैसे होगा? यह संकल्प कभी आ सकता है? कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क? तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता कि ऐसे होता है, ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क बदलकर फुल स्टॉप लग गया है ना? कल क्या थे और आज क्या हो? महान अंतर है ना? समझते हो कि महान अंतर हो गया? कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ के बजाय ओ हो कहते हो। ओ हो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। दूर से नजदीक में बाप मिल गया। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है।
रोज गीत गाते, इसलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार गीता बना दी और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। तो दोनों का यादगार हो गया ना, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अनुभवी मूरत बाप समान संपन्न अनुभवी मूरत है। हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो। संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो। हर शक्ति का अनुभव हो। हर गुण का अनुभव हो। जब चाहे तब गुणों के गहने को धारण कर सकते हो। यह सर्व गुण वैरायटी ज्वेलरी है। जैसा समय जैसा स्थान हो वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते हो। न सिर्फ स्वयं को लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी के अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी, किसी के अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी। और ही गुण दान द्वारा दूसरे का अवगुण गुण में परिवर्तन कर देंगी। जैसे धन के भिखारी को धन दे संपन्न बना देते हैं, ऐसे अवगुण वाले को गुणदान दे गुणवान मूरत बना दो। जैसे योगदान, शक्तियों का दान, सेवा का दान प्रसिद्ध है, तो गुणदान भी विशेष दान है। गुणदान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह की झलक अनुभव करा सकते हो। तो ऐसे सर्व महादानी मूरत अर्थात अनुभवी मूरत बने हो। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दूरादेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान अधिकारी बन गए हैं। ऐसे दूरादेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा पर जलने वाले हो, व कोई सिर्फ चक्कर लगाने वाले भी हो। जलना अर्थात समान बनना। तो जलने वाले हो व चक्कर लगाने वाले हो, ज्यादा संख्या कौन सी है? जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। फिर भी देखो कितनी मेहनत कर पहुंच तो गए ना। इसलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही बाप के रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं।
कमजोरियों को सोचते सोचते भी और ही कमजोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूंगी व नहीं, यह सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है। पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो तो माया को आपका साथी बनने का चांस मिल जाता है। वह सिर्फ ट्रायल करती है लेकिन उसकी ट्रायल को न जानकर समझते हो कि मैं हूँ ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है। कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा, मैं ही था व मैं ही थी, मैं ही हूँ, कल्प कल्प मैं ही बनूंगी, यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। कमजोरी पीछे आती है, आप उसको ना पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसे सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो इसलिए वह अपना बना देती है। मैं हूँ ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो। ऐसे कमजोर कैसे हो सकते, यह सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर यह कहते हो अब निकालो, स्थान देते ही क्यों हो, कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो, सदा बहादुर, सदा के महावीर हो, यही श्रेष्ठ संकल्प रखो। सदा बाप के साथी हैं, जहाँ बाप के साथी हैं वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। मधुबन में किस लिए आए हो, माया को छोड़ने, मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो, विजय के तिलक की सरमनी मनाने आए हो। विजयी बन करके विजय के तिलक की सरमनी मनाने आए हो ना? जी हाँ, कॉपी करने में सब होशियार हैं, यह भी गुण है। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है, फॉलो करना अर्थात कॉपी करना, यह तो सहज है ना? आप
अपने देश छोड़कर आते हो तो बाप दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या सारे विश्व के कार्य को छोड़ यहाँ आते हैं? विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है ना? बाप के लिए तो सभी बच्चे हैं। अंजलि तो सबको देनी है, वर्षा नहीं देते, अंजलि तो देते हैं ना? अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बाप समान सदा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले सदा माया को पहचान माया जीत सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले बाप से रूह रिहान करने वाले बाप से मिलन मनाने वाले याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भेजने वाले कुछ मीठे मीठे समाचार और स्वयं के स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा सम्मुख देख याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। महारथी भाई बहनों प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को भी तो माला है ना? सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हो। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, इसलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना कारोबार लंदन ग्रुप से सदा रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। सभी रूहानी गुलाब हो, जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूबल है, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है। एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हैं। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है? सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे? इतने वैल्यूबल कैसे बने? क्योंकि बाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए। इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो। वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता और वाह संगम युग, वाह मीठा ड्रामा, सब में वाह वाह आता है ना? वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना? बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है।
सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है, तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाले, जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है हर बच्चे के ऊपर, ऐसे अनुभव करते हो ना? जिनके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है, सदा सेफ रहने वाले हो ना? ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना? माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना? संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया आ कैसे सकती? सदा ही सेफ होंगे। ओके ग्रुप अर्थात माया जीत ग्रुप। मॉरिशस पार्टी, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो? भाग्य में क्या मिला? भगवान ही भाग्य में मिल गया। स्वयं भाग्य विधाता भगवान भाग्य में मिल गया, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं, हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है, ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारिया तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन, ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, वरदान। सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता, इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहां प्यार नहीं वहां याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.